कीमत नहीं दे रहा होगा या उनकी ट्रांजेक्शन उसके लेजर में इंदराज नहीं हो रहा होगा लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट होगी और वो कॉस्ट क्या होगी क्या वो खुद उसको बियर कर रहा है या उसके बिहाफ़ पे कोई और उस कॉस्ट को बियर कर रहा है तो बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे ह्यूमन वेलफेयर कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम देखें तो जो भी प्राइवेट बिजनेस ओनर है या प्रोड्यूसर है वो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ उस कॉस्ट का इंदराज कर रहा होता है जिसको वो ख़ुद बियर कर रहा होता है या जो उसके सिस्टम का हिस्सा होता है जो चीज़ उसको बगैर पेमेंट के या बग़ैर एनी वैल्यूएशन के मिले उसको वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा हो अब इसी की एग्जांपल अगर हम फर्दर देखें तो वी कैन सी कि बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी में ऐसी हो रही होंगी जिसका शायद वो एक बिजनेस ओनर पे नहीं कर रहा लेकिन उसको वो फैसिलिटी अवेल हो रही है अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल क्योंकि आपकी बुक में मौजूद है मेन देर इज़ अ पावर प्लांट अब एक पावर प्लांट जब कहीं लग रहा है तो वो उसको एक्चुअल जो कॉस्ट आ रही है वो रिलेटेड है जितनी उसके प्रोडक्शन प्रोसीजर की बट फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्शन प्रोसीजर अगर हम देखें अगर उसको प्रॉपर प्लेस मिल रही है उसको प्रॉपर क्लीन एयर मिल रही है तो ये वो सिस्टम्स हैं जिनकी वो पेमेंट ही नहीं दे रहा और उसी तरीके से अगर हम देखें बिजनेस एक्सटर्नैलिटीज़ के एक और आस्पेक्ट को तो समटाइम्स एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्पिल ओवर कहते हैं वो स्पिल ओवर ये है कि एक बिजनेस एक इकोनॉमी के सेक्टर में जब पहली दफ़ा एंटर हो रहा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों के लिए एक मार्केटिंग कॉस्ट पे करना पड़ती है लोगों को अवेयरनेस देना पड़ती है लेकिन जब तीन चार लोग उस जगह पे आ जाएं या उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो जाए तो जब एक न्यू एंट्रेंट होगा उसको उस चीज़ के बारे में शायद उस अवेयरनेस ना देनी पड़े या उसको उस तरीके के बारे में लोगों पे उतना पैसा ना खर्च करके बताना पड़े तो अब चूँकि उसको वो वाला ख़र्चा जो वो ख़ुद अपनी पॉकेट से नहीं कर रहा लेकिन वो प्राइवेट कॉस्ट की शक्ल में नहीं आ रहा लेकिन वो अदर्स दे हैव ऑलरेडी पेड तो इसका मतलब ये है कि कई दफ़ा हमारे बहुत सारे सेटअप्स में कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं विच आर पेड बाय सर्टन अदर्स और वो हमें इन द फॉर्म ऑफ सर्टन बेनिफिट के तौर पे आ रही होती हैं और उसी तरीके से बहुत सी कॉस्ट ऐसी हो रही होंगी जो हम पे ही नहीं कर रहे होंगी अब जिस तरह हमने पावर प्लांट के बारे में बात की तो इसका मतलब है देयर विल बी सर्टन एक्सटर्नैलिटीज़ अब एक्सटर्नैलिटीज़ में जो हमारे इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे कि ब्रिक किलन मीन ईंटों का भट्टा होता है अब वो अपनी कॉस्ट में सिर्फ मजदूर का खर्चा रखता है वो अपनी ईंटों का बिजली का गैस का कोल का वट एवर टाइप लेकिन द पार्ट वेयर दैट ही इज गोइंग टू पल्यूट द एनवायरनमेंट एंड दैट इज काजिंग द हेल्थ और द ट्रबल टू ह्यूमन बींग्स दैट आर सराउंडिंग इन दैट एरिया उसकी वो असेसमेंट ही नहीं कर रहा क्यों क्योंकि ये उसकी प्राइवेट कॉस्ट में एड अप नहीं हो रहे तो एक बिजनेस सिर्फ उन कॉस्ट को लेके चल रहा होता है जो उसके प्रॉपर लेजर में और या जिसके लिए वो पे कर रहा है तो इकोनॉमिक्स के सिस्टम में अगर हम देखें तो हम एक्सटर्नैलिटीज़ को मोस्टली इंक्लूड ही नहीं कर रहे होते और वो इकनॉमिक्स के रूल के तहत अगर हम एक सिस्टम को या एक इकोनोमी को देखें तो बिकॉज दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजली होके चलें और दूसरे पर डिपेंडेंट हम नहीं हैं तो उसका नतीजा क्या होगा कि इन द लॉन्ग रन वो शख्स जो फॉर क्लीन एयर या फॉर क्लीन वाटर के लिए आज पे नहीं कर रहा तो आइदर ही इज़ बाउंड टू पे और अगर वो पे नहीं कर रहा तो दैट कॉस्ट और दैट रिसोर्स विल बी डिप्लीटेड वो जिस तरह हम कहें कि हवा पोल्यूट हो जाएगी पानी जो हमें फ्री मिल रहा होगा तो हम उसको अगर प्रॉपर्ली केयर नहीं कर रहे होंगे या पे नहीं कर रहे होंगे उसकी वैल्यूएशन नहीं कर रहे होंगे तो दैट विल बी डिट्योरियोरेटिड और कल को सिकर्स हो सकता है इसीलिए अब इसमें हमारी एक्सटर्नैलिटीज़ के बहुत से ऑस्पेक्ट्स को स्टडी करना ज़रूरी है जिसमें हमारा एक फ्री राइडर इफेक्ट है मीन बहुत सी हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए जो हमारे प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर हैं उन्हें पे नहीं करना पड़ता मीन अगर हम इस पे देखें कि जैसे हमारा कंट्री पाकिस्तान है हम जिस खत्े में मौजूद हैं हमें सर्दी और गर्मी दोनों तरह के मौसम मिल रहे होते हैं और गर्मी के मौसम में हमारे पास हाई टेम्परेचर अवेलेबल है और बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका एवरेज टम्परेचर शायद हमारे विंटर टम्परेचर के बराबर हो और ना तो वहाँ पे उन्हें जो उनका वेस्ट ऑफ सर्टन इंडस्ट्री होता है उसको डिग्रेड करना मेन उसकी बायो कंपोस्टिंग करना या उसको कन्वर्जन में लेके जाना इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड द डिफ़िकल्ट और उसके लिए बाकायदा वहाँ के प्रोड्यूसर्स को सर्टन यूनिट्स लगा के उसकी बायोडिग्रेडेशन में उसको लेके जाना पड़ता है ताकि वो अपने इर्द गिर्द के सेटअप को जो है वो डैमेज ना करें लेकिन हमारे जिस तरह हमारे हैवी सनलाइट अवेलेबल है हमारे हीट अवेलेबल है जो नेचुरल प्रोविज़न दे रही होती है कि वो बहुत सारे वेस्ट को जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मली या नेचुरली वो गल सड़ जाता है उसके लिए आपको उस वेस्ट को बाकायदा बर्न करने के लिए एनर्जी की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये वो एक सेटअप है जिसके लिए हम प्राइवेटली कॉस्ट पे नहीं कर रहे होते तो मीन्स दैट इज़ पार्ट ऑफ द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और उसी तरीके से उस बिज़नेस की कोई ना कोई ऐसा सेटअप होगा या जिसके लिए आप पे ख़ुद नहीं कर रहे लेकिन दूसरे लोग उससे बैडली इफ़ेक्ट हो रहे होंगे जिस तरह हमने एग्जाम्पल ब्रिक किलन की दी है या नोइस पोल्यूशन की शक्ल में हम अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं बहुत से बिज़नेस प्रोसीजर हैं जिस तरह हम कहें पावर लूम्स चल रही हैं या कुछ जगहों पे कुछ और इस तरह का हमारा सेटअप है जो बहुत ज़्यादा नोइस क्रिएटिंग होता है लेकिन चूंकि उस नॉइस का जो भी सेटअप है वो एक आउटपुट ज़रूर है लेकिन उसकी कॉस्ट के लिए अगर हम देखें नो बॉडी इज गोइंग टू पे बट दैट इज गोइंग टू पोल्यूट द एनवामेंट सो फॉर दैट प्राइवेट कॉस्ट को अगर हम साइड पे कर दें तो इट मीन देयर शुड बी सर्टन वैल्यूएशन ऑफ दोज एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं कि दैट रिक्वायर सर्टन सोशल कॉस्ट तो सोशल कॉस्ट हैज़ टू बी एडेड इन द प्रोडक्शन सिस्टम When we have to make certain decision related to the efficiency loss and the efficiency gain. Otherwise, it will cause the dead weight loss to the society or the loss in the form of the efficiency. Thank you.